सत श्रीकाल जी सारे नू, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल स्टेट चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे डीडी के 64 मीटर के प्लॉट पे बना हुआ एक 3 BHK का बिल्डर फ्लोर। यूनिट जो रहेगी वो टॉप फ्लोर की रहेगी, तो छत भी आपको मिलेगी विद रूफ राइट, ये यूनिट आपको मिलेगी और छत पे भी 2 कमरे, टॉयलेट, बाथरूम और किचन बनी हुई है। तो अगर किसी की 5 BHK की रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट को भी ये बिल्डर फ्लोर जो है फुलफिल करेगा। लोकेशन जो रहेगी रोहिणी सेक्टर 7 रहेगी और इसके जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा वो रहेगा रोहिणी वेस्ट का। अगर आपकी 5 BHK की रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट को भी ये बिल्डर फ्लोर जो है फुलफिल करेगा, क्योंकि 3 बेडरूम का सेट इसमें 3rd फ्लोर पे बना हुआ है और 2 बेडरूम आपको छत पे मिलते हैं और ओपन स्पेस रूफ पे भी मिलती है और रूफ राइट आपके रहेंगे। तो आज इसी पे हम विजिट करेंगे, देखते हैं किस तरह से इसके अंदर नक्शा बना हुआ है, क्या इसके अंदर साइज मिल रहे हैं। लोकेशन जो है वो रोहिणी सेक्टर 7 है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये बिल्डर फ्लोर बना हुआ है विद लिफ्ट और स्टिल पार्किंग एरिया के साथ ये बिल्डर फ्लोर बना हुआ है और 2 साइड ओपन ये बिल्डर फ्लोर है। तो चलिए एक बार विजिट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये रहेगी सामने की रोड, गेटेड सोसाइटी है, गेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं तो वॉल कवर सोसाइटी है। और ये रहेगी सामने की रोड, ये रहेगी बिल्डिंग की फ्रंट एलिवेशन, ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग की फ्रंट एलिवेशन। इसी में अब हम यूनिट देखेंगे जो 3 BHK की यूनिट है और टॉप फ्लोर की है। अभी आप देखते हैं कि स्टिल पार्किंग एरिया, ये टोटल स्पेस मिलेगी हमारे को स्टिल पार्किंग एरिया के अंदर। ये आपकी पार्किंग स्पेस रहेगी स्टिल पार्किंग एरिया के अंदर, और जो पार्किंग स्पेस है वो 2 साइड ओपन है बिल्डर फ्लोर, तो दोनों साइड से आपको एक्सेस मिल जाएगा पार्किंग के अंदर आने का। आर पार ये बिल्डर फ्लोर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से भी आपको एंट्रेंस मिल जाएगी और पीछे ओपन स्पेस भी मिल जाएगी जहाँ पर आप अपनी पार्किंग भी गाड़ी की कर सकते हैं, लेकिन स्टिल पार्किंग एरिया के अंदर भी आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है। अब हम ऊपर चल के देखते हैं किस तरह से ये बिल्डर फ्लोर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये रहेगा स्टेयर्स का एरिया, ये टोटल स्पेस हमारे को स्टेयर्स के अंदर मिलेगी और इसके बिल्कुल साथ में लगी हुई है हमारी लिफ्ट। तो ये रहेगा हमारा लिफ्ट का एरिया और इसके बिल्कुल साथ में हमारा बना हुआ 3 BHK का बिल्डर फ्लोर जो कि DDA के 64 मीटर के प्लॉट पे बना हुआ है। 2 साइड ओपन ये बिल्डर फ्लोर है, लोकेशन है रोहिणी सेक्टर 7। तो अभी जो हम खड़े हुए हैं वो एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से इसका नक्शा बना हुआ है। इधर आपका एक 1st बेडरूम बना हुआ है, साथ में बनी हुई आपकी किचन, ये रहेगा आपका लिविंग एरिया और आगे की तरफ बने हुए आपके 2 बेडरूम। तो 2 साइड ओपन है, इसमें आपको वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, लोकेशन रोहिणी सेक्टर 7 है। अभी हम खड़े हुए हैं लिविंग रूम के अंदर, ये टोटल स्पेस हमारे को लिविंग रूम के अंदर मिलती है और ये आप देख सकते हैं डाउन सीलिंग का डिज़ाइन। तो इधर की तरफ लिविंग रूम के अंदर एक LCD पैनल लगा हुआ है और ये स्पेस मिलती है आपको गेस्ट सेटिंग एरिया के सेटअप के लिए, ये टोटल स्पेस रहेगी आपकी गेस्ट सेटिंग एरिया के लिए लिविंग रूम के अंदर। तो इसके बिल्कुल साथ में ही बना हुआ है हमारा 1st बेडरूम, ये आप देख सकते हैं 1st बेडरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस हमारे को 1st बेडरूम के अंदर मिलती है। रूम के अंदर हमारे को एक विंडो मिल जाती है जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी और एक बालकनी की स्पेस भी मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं जो 1st बेडरूम के अंदर हमारे को स्पेस मिलती है, ये टोटल स्पेस हमारे को 1st बेडरूम के अंदर मिलेगी जिसमें इधर की तरफ आप अपना बेड लगा सकते हैं और सामने अपनी आप LCD लगा सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ में देखें तो ये रहेगा हमारा बालकनी का एरिया, ये टोटल स्पेस मिलेगी हमारे को बालकनी के अंदर। तो ये भी हमने देखा अपना 1st बेडरूम जिसमें आपको अच्छी वेंटिलेशन मिल रही है। तो इसमें ये रहेगा डाउन सीलिंग का डिज़ाइन। तो अभी हमने देखा 1st बेडरूम, अब यहाँ से हम जैसे ही वापस लिविंग रूम की तरफ जाते हैं तो सामने बने हुए हमारे 2 बेडरूम 3 BHK का ये सेट है। तो ये रहेगा हमारा 2nd बेडरूम जो कि अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ मिलेगा, ये टोटल स्पेस मिलती है आपको 2nd बेडरूम के अंदर। इधर की तरफ वार्डरोब्स मिल जाएंगे, इधर की तरफ आप अपना बेड का सेटअप कर सकते हैं। इसके अपोजिट में अगर हम देखें तो इधर की तरफ आप अपनी LCD को हैंग कर सकते हैं, TV को हैंग कर सकते हैं, एक विंडो मिल जाएगी जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपर है आपके रूम के अंदर। और ये रहेगा डाउन सीलिंग का डिज़ाइन इस रूम के अंदर, और इसके साथ में इधर की तरफ बना हुआ है हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम, ये आप देख सकते हैं अटैच टॉयलेट बाथरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम के अंदर मिलती है और एक विंडो मिल जाती है जिससे वेंटिलेशन रहेगी टॉयलेट बाथरूम के अंदर भी। तो अभी हमने ये देखा अपना 2nd बेडरूम, ये टोटल स्पेस रहेगी 2nd बेडरूम की। अब हम देखते हैं अपने 3rd बेडरूम को जो कि इस रूम से निकलते हैं बिल्कुल साथ में बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं 3rd बेडरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस मिलेगी आपको 3rd बेडरूम के अंदर। इस रूम में भी आपको विंडो मिल जाएगी जिससे कि वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी रहेगी और आप देख सकते हैं सनलाइट भी काफ़ी अच्छी आ रही है रूम के अंदर। तो ये रहेगा हमारा 3rd बेडरूम। इस रूम के अंदर आपको डबल डोर की वार्डरोब्स मिल जाएंगी, स्लाइडिंग डोर्स के अंदर लगे हुए हैं, ऊपर भी आपको ड्रॉर्स मिल जाएंगे और ये रहेगा इसमें डाउन सीलिंग का डिज़ाइन। तो टोटल स्पेस जो मिलती है हमारे को रूम के अंदर वो ये मिलती है, यहाँ पे आप अपना बेड लगा सकते हैं, इधर की तरफ आपकी विंडो रहेगी, इसके अपोजिट में आप इधर की तरफ अपना TV को जो है हैंग कर सकते हैं। साथ में आपको एक बालकनी मिल जाएगी, छोटी सी बालकनी स्पेस, वॉशिंग एरिया मिल जाएगा जहाँ पर अपनी मशीन वॉशिंग मशीन को आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा 3rd बेडरूम।
अब इधर से जैसे हम वापस बाहर निकलेंगे तो साथ में ही बना हुआ है कॉमन टॉयलेट बाथरूम, जो कि थर्ड बेडरूम से भी कनेक्ट रहेगा और आपका एज ए कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी यूज़ होगा, एज ए गेस्ट टॉयलेट बाथरूम ये यूज़ होगा। तो ये भी एक टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है जो कि थर्ड बेडरूम के साथ कनेक्ट रहेगा। तो कुछ इस तरह से ये हमारा जो है फ्लोर बना हुआ है। और सामने देखिए तो ये बनी हुई है हमारी किचन, ये टोटल स्पेस मिलती है आपको किचन के अंदर। सामने आपका रहेगा वेट एरिया, विंडो मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए, टू साइड है तो आपको वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इस बिल्डर फ्लोर के अंदर। ये टोटल स्पेस रहेगी आपकी किचन के अंदर, मॉडुलर किचन का काम इस बिल्डर फ्लोर के अंदर हो रखा है। ये सारे ड्रॉर्स भरे हुए हैं स्टोरेज के लिए, तो सामान की स्टोरेज आप काफ़ी अच्छे से इसके अंदर कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से आप इसके अंदर स्टोरेज कर पाएंगे सामान की। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लोर बना हुआ है। अब हम टेरेस पर चल के देखते हैं कि टेरेस पर जो हमारे स्पेस मिल रही है और जो रूम मिल रहे हैं उसमें क्या साइज मिल रहे हैं। अभी हम आ गए हैं रूफ पे, तो जो लिफ्ट है वो भी रूफ तक आ रही है, ये आप देख सकते हैं लिफ्ट जो है छत तक आ रही है। तो बिल्कुल साथ में देखें तो ये बना हुआ है हमारा रूफ पे स्पेस। इधर की तरफ हमारे दो बेडरूम मिल जाते हैं, जिसमें एक बेडरूम में हमारे को अटैच टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है, एक छोटी सी किचन की स्पेस भी मिल जाती है, तो दो रूम ऊपर बने हुए हैं। उसके अलावा ये ओपन स्पेस हमारे को मिल जाती है टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर। इसके साथ साथ ये टंकी जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ये स्पेस बन जाएगी यहाँ पे बैठने के लिए, सिटिंग एरिया बन जाएगा ये। और ये रूम बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं जो टेरेस पे रूम बना हुआ है उसकी स्पेस, ये टोटल स्पेस मिलेगी। इधर की तरफ विंडो रहेगी, वेंटिलेशन रहेगी, और जो सेकंड बेडरूम है उसमें आपको बालकनी स्पेस भी मिल जाएगी। इस रूम के अंदर आपको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं उसकी स्पेस। तो कुछ इस तरह से ये टेरेस पे जो रूम बना हुआ है उसकी स्पेस रहेगी, ये टोटल स्पेस मिलती है आपको टेरेस पे जो फर्स्ट रूम बना हुआ है। अब यहाँ से हम जैसे ही बाहर निकलेंगे तो साथ में ही बना हुआ है सेकंड बेडरूम, ये आप देख सकते हैं सेकंड बेडरूम की स्पेस। ये टोटल स्पेस आपको सेकंड बेडरूम में मिलती है जो कि रूफ पर बना हुआ है, इसमें बालकनी रहेगी आपकी अटैच, ये रहेगी आपकी बालकनी की स्पेस टोटल, और ये रहेगी आपकी रूम की स्पेस। इस रूम में आपको वार्डरोब भी बने हुए मिलेंगे और ड्रेसिंग टेबल भी बना हुआ मिलता है, ये रहेगी उसकी स्पेस। तो दो बेडरूम ऊपर बने हुए हैं रूफ पे, और इससे बाहर निकलते ही बिल्कुल साथ में बनी हुई है किचन, ये आप देख सकते हैं किचन भी बनी हुई है यहाँ पर। तो ये टोटल स्पेस रहेगी आपकी किचन की, और ये ओपन स्पेस मिलती है आपको टेरेस पे रूफ पे। तो एज ए डुप्लेक्स अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी बड़े फ्लोर की रिक्वायरमेंट है तो अभी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये टोटल स्पेस रहेगी आपकी ओपन में। फ्रेंड्स अभी हमने देखा डीडीए के 64 मीटर के टू साइड ओपन प्लॉट पे बना हुआ एक 3 BHK का बिल्डर फ्लोर, जो कि विद रूफ राइट आपको मिलता है। छत पे भी आपको दो कमरे मिल रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम मिल रहा है और एक किचन बनी हुई मिल रही है। तो अगर आपकी 5 BHK की रिक्वायरमेंट है तो इस रिक्वायरमेंट को भी ये बिल्डर फ्लोर जो है फुलफिल करता है। लोकेशन जो है रोहिणी सेक्टर 7 है, विद लिफ्ट और स्टिल पार्किंग एरिया के साथ ये बिल्डर फ्लोर बना हुआ है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो रहेगा वो रहेगा रोहिणी वेस्ट का। इसका जो आस्किंग प्राइस रहेगा वो रहेगा 1,35,00,000 रुपये। प्राइस जो है लिटिल बिट नेगोशिएबल भी रहेगा, और इसके अंदर अगर आप बैंक फाइनेंस कराना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप इस बिल्डर फ्लोर पे विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास इसके अलावा भी अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं रोहिणी के अंदर, तो आप उसके लिए भी हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये फ्लोर जो है 1,35,00,000 रुपए की डिमांड पे है, आस्किंग प्राइस है। फ्रेंड्स किसी तरह की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।